शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना भी अति आवश्यक है। शिक्षा और संस्कार एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है तो संस्कारों के बिना जीवन दुश्वार है। शिक्षा और संस्कार दोनों जीवन में होंगे तो जीवन में खुशहाली होगी। यह बातें देवास में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा में पंडित महेश गुरु जी ने कही। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देवास के राजाराम नगर गणेश मंदिर के पास कुसुम कुशवाहा व कुशवाहा परिवार द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। शुक्रवार को व्यास पीठ की आरती शहर के गणमान्य पत्रकारों द्वारा संपन्न कराई गई। कथावाचक पंडित महेश गुरुजी ने कहा कि कथा भगवान और भगवान के भक्तों की लीला का बखान करती है। इस ग्रंथ का पठन पाठन करने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जीवन में स्वयं आ जाते हैं। जीवन में सुखी रहना है तो लोभ व अहंकार को नजदीक ना आने दें। अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसके बाद हम अच्छे व बुरे की पहचान नहीं कर पाते हैं। मनुष्य के अंदर तीन प अहंकार के बीज बोते हैं। मनुष्य को पद, प्रतिष्ठा और पैसे के अहंकार से हमेशा बचना चाहिए। ये तीन प मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। वहीं कथा में भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं। लोगों में भक्ति को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। नाचते, झूमते, गाते लोग पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। पंडित महेश गुरुजी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन सभी जगह होते रहना चाहिए ताकि समाज में धर्म का वातावरण बना रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि भागवत कथा का संदेश यही है कि समाज में लोग स्वयं खुश रहें और अन्य लोगों को भी खुश रहने दें। पहले तो मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने भगवान की कथा का आयोजन करके इतने सारे लोगों को यहाँ बिठा करके भगवत चिंतन में लगाया है। और मैं यही कहूँगा कि इस तरह के आयोजन सभी जगह होते रहना चाहिए जिससे भगवत वातावरण, धर्म का वातावरण समाज में बना रहे और समाज अनुशासन मर्यादा में रह करके स्वयं सुखी सभी लोग रहें और दूसरों को सुख पहुँचाते रहें। ये भागवत का संदेश है जो मैं आप सबके माध्यम से देना चाहता हूँ। महाराज श्री ने कहा कि गुरु का स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान माना गया है। बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु का प्रत्येक शब्द ब्रह्म वाक्य होता है। मन, वचन और कर्म से गुरु भक्ति करने वाले व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वहीं आयोजनकर्ता कुशवाहा परिवार ने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में पधारकर कथा श्रवण करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देवास।